चेनाराम जाट और मेरे गोडारा और गोदारा। तो गोडारा मैं पाकिस्तान में हूँ। ये अपना लेगा है ये। दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं नमक की झील पे। ये बहुत देखो इस तरीके से नमक निकाल रहे हैं ना। जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज मैं जाने वाला हूँ जाटों का गांव दिखाने के लिए। तो मैं कल आया हूँ 100 किलोमीटर दूरी करके खिपरो शहर में ना, तो जाटों का गांव दिखाऊंगा। और ये अभी गेहूं का खेत है, ये मैं खेती में घूम रहा हूँ। ये हमारे रिश्तेदार है तो उनको मैंने बोला यार मुझे जाट दिखाओ, क्योंकि तो मुझे नहीं पता था, तो इनको ही पता है। तो वो जाटों के घर किस जगह पे है, तो खिपरो सिटी है सांगर डिस्ट्रिक्ट सिंध में, सिंध पाकिस्तान। और अपने जो गुज्जर भाई है उन्होंने मुझे कमेंट बहुत किए हैं कि हमें यार अपने गुज्जर भाई है नहीं है। तो गुज्जर है, गुजरों का शहर पंजाब में गुजरांवाला है, भावलपुर है, और बहुत शहर है और बहुत उनके घर है। तो जो भी है गुज्जर पंजाब में ही रहते हैं, तो मैं जाऊंगा ना वहाँ पे भी जाऊंगा। तो अभी तो इतने मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तो फिर तो मैं ऑल टू मतलब पाकिस्तान का टूर कर करके आपको सारे जो भी अपने धार्मिक है और जो जाति वाले लोग रहते हैं उनके दिखाऊंगा। तो ये कुछ इस तरीके का आज सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं खेत घूम रहा हूँ और अभी हम जाएंगे जाटों का विलेज देखने के। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मेरे भी सब्सक्राइब बढ़ सके। और आपसे मैंने एक वादा भी किया था कि माँ के लिए मैं क्या तोहफा लूँ जो 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर राय दिएगा। तो मिलते हैं अभी वहाँ पे ना, और उस भाई से ही मिलाएंगे जो हमें लेके जाने वाले हैं। ये मंदिर है गथुमो में, हम आए थे यहाँ पे, तो आगे थर जा रहे हैं। जो इस तरीके का मंदिर है और इसका गेट, मतलब ये बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। ओ वहाँ तक ये दीवार भी इसकी तकरीबन 40-50 फीट की है। तो ये गेट है, अंदर चल के देखेंगे कैसा है मंदिर ना। गाइस ये है परशना मंदिर हथुंगों में, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। आपको मैं अंदर से सही तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा पड़ा है, और ये हमारे MNA है नंद कुमार गोकलानी, उन्होंने इस मंदिर का अफ्तिताह किया था। तो ये सिंधी में लिखा हुआ है। तो ये है हमारा मंदिर साई परशना राम साहिब मंदिर। ये इधर नैनू राम के भी मतलब फ़ोटो वगैरह लगे पड़े हैं परशना साहिब के ना, तो इनकी ये फ़ोटो है, मूर्ति है परशना राम। ये सोन के है ना, सोना पहना हुआ ना, सोना पहना। अच्छा तो ये सोने के मतलब जो भी जेवरात दिखाई दे रहे हैं ये सोने के हैं। तो भैया थोड़ा बाहर से भी दिखाएंगे आपको, चलें इधर। यहाँ पे गीता माता पड़ी है, भगवत गीता। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा अथुंगो आपको दिखाएंगे, अथुंगो से आगे फिर आपको बिट दिखाएंगे, जो बिट हैं अथुंगो के, और घर भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो ये मंदिर है, मंदिर का हाल भी है, यहाँ पे मेला भी लगता है ना, मेला भी लगता है हर साल। तो ये आ गए हम थर में, उस तरफ पंखा चल रहा है जो पानी निकालने वाला ना। तो दोस्तों हम जा रहे हैं नमक की झील पे जो खिपरो से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये अभी ना ट्रक भर रहे हैं नमक के ना, ट्रालर भर रहे हैं। इस तरफ नमक ही नमक पड़ रहा है, और एक उधर आ रहा है। राजू भाई गाड़ी को इस तरफ थोड़ी आगे कर दे। तो नमक का भर के ये खेखड़ा आ रहा है, हम इसको बोलते हैं खेखड़ा। इसमें नमक जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि नमक की झील बहुत दूर है यहाँ से ना, वो इस तरफ है। ये वारी में डेजर्ट के इलाके में ना गाड़ी चल नहीं सकती है, तो देखते हैं कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए ना। खेखड़ा भर के आया है, तो ये गाड़ी हमारी इस तरफ जाना हमें। तो अभी पहुंच गए तो आपको मैं वो दिखाऊंगा, नहीं तो वापसी आ जाएंगे, क्योंकि डेजर्ट में गाड़ी नहीं चलती बाइक। तो दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल है, डेजर्ट में चल ही नहीं रही गाड़ी ना, फंस रही है। तो अभी मामे को बोला आप चलो, मैं पैदल आता हूँ, कुछ नज़ारा आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ से ना अभी देखते हैं आगे। भाई दूसरा भी आ रहा, वो खाली होकर आ रहा था, उसमें अपना गुजराती गाना चल रहा है राजस्थानी। ये खाली होके आ गया ट्राला, इसमें गुजराती राजस्थानी गाना चल रहा है। बहुत बड़ी नमक की झील है, यहाँ से बाहर मुल्क में भी नमक सप्लाई होता है। तो इस तरीके की ये नमक की झील है, ये नमक पड़ा हुआ है, और ये कोकरूज है राजू, ये कोकरूज है, कोकरूज है ये नमक पड़ा हुआ है नमक।
ये मजदूर नमक भर रहे हैं, इस तरफ भी उनके पास भी चलेंगे। ये पता नहीं किससे ये नमक मतलब बनता है इस पानी में से ना, ये मतलब बहुत टाइम से आ रहा है ना मामा, ये ख़त्म नहीं होता ना पानी नहीं। नमक है नमक, तो आज हमने फाइनली नमक की झील भी देख ली, तो किस तरीके का नमक है। तभी वो मजदूरी के पास जा रहे हैं, और इस पानी की ये खासियत है कि इसमें बंदा जाएगा तो अंदर डूबेगा नहीं। तो हम गर्मी में आएंगे फिर इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, अभी सर्दी है। और ये बनता कैसे ये भी आप देख लो, ये नमक है। अब ये दाना है, शहर में जाएंगे फिर इसको पीस के पाउडर कर देंगे, तो ये नमक ही नमक पड़ा है। हमको देहरान है तो ये बनता कैसे पानी में से ना, मतलब ये पानी ही पड़ा है। तो ये भाई आ रहे हैं इससे पूछेंगे। तो ये हमारे सगराम भाई हैं कोली जाति से। यार ये नमक कैसे बनता है पानी में से? बस पानी में ही है, ठहे तो बस पानी में तो ठहे तो, पर ये हम खुद परेशान हैं कंफ्यूज है कि ये नमक बन कैसे रहा है। आप मजदूरी करते हो ना, मजदूर लेके आते हो, कितनी दिहाड़ी देते हैं आपको ये? दिहाड़ी 500-600। तो ये बोल रहे हैं दिहाड़ी 500-600 रुपये देते हैं। ये हमारे सगराम कोली है, पारकरी है जहाँ कोई और पारकरिया कोली है पार करके। धन्यवाद। तो इस तरफ कट्टे भी भर रहे हैं ना, तो ये भगवान की एक कुदरत है, जो पानी बन रहा है उस तरफ बैठे हैं, मतलब बीच में पानी कहीं पे भी नहीं है ऐसे ना, इसमें ही बन रहा। तो ये हम खुद परेशान हैं, तो ये बन कैसे रहा है? तरफ गाय माता जा रही है। ये बोलते हैं हम एक गाड़ी भरते हैं उसके सिर्फ 1000 मजदूरी मिलती है, और ये जो नमक है ना इसके अंदर ही बनता है, इसको तोड़ के बाहर निकाला जाता है। तो ये था हमारी झील, और ये थे कुछ बेटे। बाट मुझे मिल गए तो आप भाई को बाट दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि बाट रहते हैं, तो वहाँ पे भी मैं जाऊंगा ना। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी मजदूरियाँ कर रहे हैं, और ये जो भी मतलब झील में ये सारे हिंदू बच्चे काम कर रहे हैं, और ये मुसलमानों की झील है। ये पता नहीं रिंद बोला था, पता नहीं इस तरीके की कुछ दात है, पता नहीं हिंगोड़ो ऐसे समय जा, पता नहीं इस तरीके की कुछ इनकी है। ये झील है, मजदूरी करो रहा घड़ी जुड़े 5000 रुपये इनकी तनख्वाह है। शो नाम है तुम्हारो की नाम है तुम्हारे अशोक है कोहली हो? ये कोहली है पारकरिया कोहली है। माइट तू राजस्थान रो तो जेने मैंने पूछा करी थी, ये तुम्हारा पारकरिया कोहली है। ये भी बेचारा नमक काटे रहा ना, मजदूरी कर रहा ना भाई, घनी जुड़े थी तुम्हारी मजदूरी। और ये खा रहा नुकसान नहीं होता आपको इससे? हाँ अच्छा, तो अभी नमक बाहर निकालेंगे, सूखेगा ऐसे ना फिर गाड़ियाँ भरेंगे ना, ऐसे ही भर देंगे। अच्छा ये बोले बोरियाँ भर के गाड़ी में डालते हैं, और ये मजदूरी दें, ये स्टिकम से तोड़ते फिर इसने फावड़े से ये निकालते हैं नमक। ये निकाल रहा, आगे भी भाई है सारे हिंदू हैं, कोली कम्युनिटी के ये सारे कोली हैं, हिंदू है अपने भाई है। तो अभी हम जा रहे हैं किपरो वापसी दोबारा। सो ये बेट के ऊपर हम अभी चढ़े हैं, यहाँ से नज़ारा देख लो, नमक की झील, पेड़ पौधे, यहाँ पे यार पेड़ पौधे बहुत है, इतने तो हमारे बराड़ी इलाकों में ये पूरे पेड़ ही पेड़ हैं। और ये मतलब ये थर है ना राजस्थान में जाके मिलता है ये थर, इस तरफ है। थक गए हम तो भाई। तो ये थर में कोली जाति के लोग बैठे हैं, ये बैठू में ना, ये कोलियों के घर हैं, ये भी कोलियों के घर हैं, झोपड़ियाँ बना के बैठे हैं, कोई सरकारी घर मिले इनको ना। तो अभी हम खेपरों में एंटर कर चुके हैं, ये खेपरों का बाईपास है। दोस्तों हम फाइनली उस गांव में पहुंच गए हैं जहाँ पे जाट रहते हैं, तो हमें ले जा रहे हैं मेरे मामा है, वो लेके जा रहे हैं, वो सामने आगे जा रहे हैं गाड़ी लेके, और इस तरफ ये दवाई छिड़क रहा है बनी में। तो मिलते हैं जाटों के गांव में आपसे। भाई हमें एक भाई मिले जो जाट हैं, तो ये और भाई क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भाई हैं, आपका नाम क्या बताया था? गुजराती में बात करो भाई, मीरो नाम कहाँ नाम कहाँ जात का ही था जी, लेगा जात के ये भाई, मीरो नाम है इनका। और ये बोल रहे हैं मेरे इंडिया में भी भाई जो बहुत चले गए ऐसे ना, तो चलें उधर चलें भाइयों के पास।
तो भाई मैं आ गया हूँ अभी ना, ये जाटू के गांव में गया था, पर वहाँ से सारे आ गए, मतलब इनके थोड़े ही घर हैं, 10-12 घर हैं, 10-12 ही है ना इधर, जो जाट हैं, जो ऐसे तो दूसरे मेघवाड़ जाट के, पर नहीं, जो ओरिजिनल जाट है, ये बोले हमारे 10-12 घर है और दूसरे चले गए इंडिया। तो मैं यहाँ पे ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सारे अपने भाई जाट भाई हैं, तो इनके पास मैं आया था, तो इनसे मैं थोड़ी बातचीत करूँगा, तो इनकी क्या जात है और किस गाँव से, इंडिया से ना। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लिख गए हैं सारण जात के हैं, सारण सारण और सीओ, हम इधर ये ड्यूटी है पुलिस में, रेलवे में, और ऐसे जमींदारी मुकादा ठीक कर। आप क्या काम करते? मैं रेलवे पुलिस में। रेलवे पुलिस में, और ये भाई? ये खेती बाड़ी करते, ठीक है, जमीन है, मुकादा भी है, अपनी जमीन भी है। हाँ, ये गांव आपका है? हाँ, ये इधर नहीं को वडेरों गांव है, इधर हमारे को बनी टुकड़े हैं, ये तो जागीरें पड़ी है, मगर ये 20-30 एकड़ ये। किस जगह पे भाई? हमारे ये जोधपुर में, तिवरी में है, वैसे नाम है कोई आपको, नाम याद है? हाँ, ये उधर नाम है, उधर अपना गोडारे बैठे हुए हैं, ले गए बैठे हुए हमारे आधे रिश्ते, मेरे चाचू दो गए हुए हैं। आप आ जाओ भाई, 10-12 जाट है ना? जी जी। तो आपका क्या नाम है? हिमचंद सर। आप भी एक का जी? हां, क्या नहीं बताइए? लेकर आपका काम कौन सा है इंडिया में? अपना चित्रा चित्रा काम जी। हां, चित्रा आपका क्या बताया था? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीरा। बीरा नाम है। लेगा। ये सारे और क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं ना जी। ये अपने थे जाट भाई थे, तो आपने बोला था, मुझे बहुत कमेंट किया था जाट देगा, तो ये बोले हमारे जो खास करके 200 घर चले गए ना आपके इंडिया। हाँ, 200 घर इंडिया में चले गए। और क्या क्या नाम थे उनके? बढ़िया जो है आपका, वो अपने चपराट चले गए, गुड़ारे चले गए। अच्छा, चले गए और बहुत आते आते। अच्छा, चबराट चले गए, गोदारे चले गए, और जो पाकिस्तान में मतलब आए हैं, तो आप में से कोई होगा उधर, तो कोई वीडियो देखे तो हमें कमेंट में नंबर दे, आपके पास नंबर है उनके? या नहीं हो तो मैं लेके दूं यहाँ है। तो आप बोल रहे थे, बहुत ही कमेंट कर रहे थे, तो मैं आया था। तो जो जाट बिल्कुल ही कम है इधर ना, ऐसे ना, ओरिजिनल जाट कम है, बाकी ऐसे ही नाम अपने रख के बैठे कोई। हाँ, चलो तो आपका धन्यवाद। तो ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें 1-2 मेघवाड़ है, बाकी जाट है। तो गाइज, ये थे जाट भाई, इनका धन्यवाद जो इन्होंने हमें टाइम दिया, इनकी मेहरबानी, क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भी टाइम हो गया, शाम हो गई है। ठीक है भाई, देव कहो था पूजो जोगमाया वैष्णो। अच्छा, जोगमाया वैष्णो, नहीं दजा लगी पड़ी है ना आपके घर पे, तो इस वजह से रामा पीर है। अच्छा, रामा पीर। तो ये भाई थे अपने ना जाट भाई, तो ये ओरिजिनल जाट है, ऐसे तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी अपने नाम के ऊपर मतलब जाट लगा देते, तो जाट लगाने से जाट नहीं होता है, जैसे आप मुझे कमेंट में बोलते हैं, तो ठक्कर और ठाकुर अलग होते हैं, तो इस तरीके से ये भी असली जाट है। मेरा नाम जयराम है। मेरे पाँव को यार ये तकरीबन 4-5 साल हुए हैं, खराब हो गया है। क्या हुआ था? क्या क्या डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन होगा। आप जाट हैं? आप जा, मैं जाट हूँ। क्या जाति है आपकी? मेरा जात है लेगा। लेगा जाति जी। भाई मतलब इनका पाँव है ना जो खराब हो गया है, तो ये पंचर का काम करते हैं, ये इन्होंने छोटी सी शॉप बनाई है, तो ये इनके घर है, पीछे के आपके घर है ना ये? ये इन्होंने ना शॉप बनाई है, छोटी सी शॉप बना के बैठे हैं, ये एक पंप है हाथ वाला, और पंचर का सामान रखे, और इनका जो पैर है ना, वो पाँव खराब हो गया है, तो इन्होंने इलाज बहुत करवाया, पर इनकी गरीब है ऐसे ना, इतने पैसे नहीं जो बड़े अस्पताल में जा सकें। अगर आप में से कोई जाट भाई इनकी मदद करना चाहे, तो मैं इनका जो नंबर है दे दूंगा, मैंने इनका नंबर ले लिया है, तो फिर आप भले कर लेना इनकी ना, क्योंकि इनकी बेचारे जहाँ ये पंचर पे तो इनका गुजारा कर रहे ना खेती बाड़ी करके, ऐसे ना। चलो ठीक है, और ये गाँव भी जाटों का है ना, ये कौन सा जाट है? अच्छा, ये खीमा जाट और चेना जाट वालों के गांव है। तो ये मेरे मामा थे, ये भील है हमारे, यही मेरे को लेके आए, क्योंकि यही रहते हैं, मुझे तो पता नहीं था, ये बहुत दूर है गांव। तो गाइस, ये जाटों का गांव है, ये पक्के मकानात भी इनके, कोई अमीर है कोई गरीब है, इनकी घर की जमीनात है, और कोई पुलिस की नौकरी में कोई गवर्नमेंट, और मतलब ये बोल रहे हैं हमारे 20 घर हैं बस, ज़्यादा नहीं है। तो ये स्कूल भी इनका ही है जाटों का। तो अभी हम जा रहे हैं वापसी अपने घर की तरफ, तो आपको थोड़ा सा बीच का व्यू भी दिखाएंगे, राजू भाई हमारे चला रहे हैं। तो ये पीछे गांव था जाटू का, तो इनके घर थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बोल रहे हमारे 20 घर हैं,
और बाकी 200-250 घर चले गए इंडिया। तो इन्होंने जो जाति बताई तो वो आप कमेंट में जरूर बताना। तो ये मेघवाड़ों की दुकान है और मेघवाड़ों के ये घर हैं। दजाएँ लगी पड़ी है वो सामने है दजाएँ। ये मेघवाड़ों के घर हैं, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं ये मेघवाड़ हैं, समझ गया। ये अपना ये छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, जान मोहम्मद जुने जो, ये भी मेघवाड़ों की शॉप है। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, सिर्फ ना अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई अभी ना। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए दुकान पे, मैं और राजू। राजू इस तरह आज ठंड में मर गया, मैं भी ठंड में मर गया हूँ। दोनों घूम घूम के ना जाटू के घर ढूंढ घूम ढूंढ के मस्त जाके जाट मिले, वो भी कम मिले। तो अगली बार जाएंगे तो सही ढूंढ के आएंगे उनको। तो ये था हमारा सफ़र खिपरों का मीरपुर खास से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।